फ्रेंड्स, ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, इसका जो हिंदी होता है वह होता है अवधारणात्मक स्पष्टता, है ना हिंदी में। ये होता क्या है, इनको तीन पॉइंट में हम समझते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर के तीन पॉइंट्स में समझते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो है जिस टॉपिक पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं उस पे अगर जज करना हो, तब उस टॉपिक के कंटेक्स्ट में आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता क्या है इसको डिफाइन करने की कोशिश में करूं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि एक्सप्लेन करना है आपको क्या दैट टॉपिक किस तरह से आपको सेक्टली करना है। इसका क्या मतलब होता है कि बहुत ही संक्षेप में और सारगर्भित रूप से, है ना, संक्षेप में और सारगर्भित रूप से। इसका मतलब है कि जिस टॉपिक पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं उसके बारे में अगर जानकारी लेना हो, तो अगर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित है, सक्सिंक्ट है, तो इसका मतलब है कि वो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में बताता है कि दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना है, कि जिस टॉपिक पे आपको पूछा गया है उसका की कंपोनेंट्स, है ना, की कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। अभी आप पहले पॉइंट देख लीजिए कि की कंपोनेंट्स के बारे में आप उस टॉपिक के की कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं या नहीं। जो तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है जिस कंसेप्ट के बारे में आपसे पूछा गया है उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, उससे मिलता जुलता जो कंसेप्ट है, रिलेटेड जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट है उससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि नहीं। अगर आपने उससे मिलता जुलता कंसेप्ट से डिफ्रेंशिएट कर दिए, इसका मतलब है कि आपको कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी है। याद रखिएगा, ये क्लियरिटी इसी टर्म में आया है कि जब आप दो मिलते जुलते कंसेप्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिए कि हाँ लगता तो है कि मिलता जुलता है, समान है, लेकिन दोनों में अंतर है, इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यह आवश्यक क्यों है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्यों आवश्यक है। इसके दो चीज है, जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता है तब आप बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हो, है ना, और दूसरा विदाउट एनी कंफ्यूजन, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप कम्युनिकेट करते हो तो बहुत ही इफेक्टिव रूप से कम्युनिकेट करते हो और बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी के साथ एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन आप बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हो। याद रखिएगा, जो आप रिटन फॉर्म में आंसर लिखते हैं वह भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन के दो माध्यम होते हैं, एक और माध्यम होता है जो कि वर्बल होता है, तो वैसे एक आप जब अपने शब्दों से बोलते हो, और मतलब वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है एंड रिटन फॉर्म में होता है, ये सारे जो है कम्युनिकेशंस के ही साधन है, मींस है। तो जो रिटन फॉर्म में हम आंसर लिखते हैं वास्तव में हम कम्युनिकेट ही करते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, ये बात क्लियर हो गया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमको पूछा गया कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी को लेकर के अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं ये बताना हो, तो आप कहेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, बहुत ही संक्षेप में बोलिए कि वास्तव में यह है पावर टू रूल इन द हैंड ऑफ पीपल, मतलब लोगों के हाथ में शक्ति है
किस चीज के लिए, तो रूल करने के लिए। एकदम बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त परिभाषा है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसके कंपोनेंट आपको बतानी है। तो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक आपका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट क्या होता है कि आप अपने जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उनके बिहाफ पे वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजंस लेते हैं, तो यह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, सारे लोग इकट्ठा होके या नहीं तो बैलेट पेपर के माध्यम से डिसीजंस लेते हैं कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। साथ ही साथ आपको अंतर भी पता हो, डिफ्रेंशिएट भी आप कर पाए क्या जो डेमोक्रेसी है और जो ऑटोक्रेसी है या ओलिगार्की है, इसमें क्या अंतर है। अगर आपने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया तो इसका मतलब आपको डेमोक्रेसी को लेकर के बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी है। ये बात समझ में आ गया। एक और उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें फोटोसिंथेसिस की बात करें, यह होता क्या है, अगर आपने बता दिया कि जो प्लांट है यह जब यूज करता है किस चीज को, सनलाइट को, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एंड द वाटर को, और प्रोड्यूस करता है क्या, शुगर या ग्लूकोज या साथ ही साथ ऑक्सीजन, इस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। साथ ही साथ इनके जितने स्टेप्स हैं क्लियरिटी के साथ अगर आप दिखा दिए, तब उसमें क्लोरोफिल का रोल क्या है वो बता दिए, और जो प्लांट सेल होता है उसमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये भी देखने में सिमिलर है, लेकिन इस फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, अगर आप इन दोनों को बता दिए, इन डिफरेंसेस को बताने के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप फोटोसिंथेसिस समझा दिए, इसका मतलब है कि आपको फोटोसिंथेसिस को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी है। मुझे उम्मीद है कि ये जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी वर्ड है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा डेमोक्रेसी एंड फोटोसिंथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में, जो मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश किया। सबसे पहली बात, आपको एक्सप्लेन करना है उस टॉपिक को कि जो कंपोनेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करना है, और उससे मिलता जुलता जो कंसेप्ट है उससे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। वास्तव में ये जो मेंस राइटिंग प्रैक्टिस है ये कम्युनिकेशन है, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होगा, साथ ही साथ विदाउट एनी कन्फ्यूजन होगा, मतलब क्लियरिटी के साथ होगा। इसी को बोलते हैं कंसेप्चुअल क्लियरिटी।